ओम श्री राम राम रामेति रमय रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। टुडे वी रीड चैप्टर 54, कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी ऑफ विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। ऑन विश्वामित्र'स अटेम्प्टिंग टू टेक हर अवे बाय फोर्स, आफ्टर वशिष्ठ रिफ्यूजेस टू हैंड ओवर और गिव शबाला टू विश्वामित्र, शबाला सीक्स टू नो वशिष्ठ'स माइंड at his instance and produces a multitude of warriors that disperse Vishwamitra's army. आज हम बालकांड के चतुर पंचाशह सर्ग अर्थात 54वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाते हैं और गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पल्लव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करने का विवरण दिया गया है। इसमें 23 श्लोक हैं। कामधेनुम वसिष्ठो अपि यदा न त्यजते मुनि तदास्य शबलाम राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले गए। When sage Vashishtha did not consent to part with his wish-fulfilling cow, O Rama, Vishwamitra too thereupon proceeded to take Shabala away by force to his capital. नीयमाना तुच्छबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदंती शोककर्षिता। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहम सुमहात्मना याहम राज भृतैर दीना प्रियेय भृशु दुखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रही हैं। Being taken away by force by the mighty king, Shabala, for her part, felt afflicted and distracted with grief, fell a weeping. She reflected, "Have I been deserted by the exceptionally high-souled Vashishtha, in that I am being taken away in this wretched condition by the king's retainers, sore, distreated as I am?" मयापकृतं तस्य महर्षेर भावितात्मनः यन्मा मनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। पवित्र, अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। What wrong has been done by me to that eminent seer of purified mind, that even though perceiving me to be innocent and devoted to him, the pious soul should now abandon me? इति संचिन्तय यित्वा तु निश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौज सं निर्धूयतांस तदा भृत्यान शतशः शत्रुसूदन। शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर
उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। Deeply pondering thus and sighing again and again, she for her part forthwith ran to the supremely powerful Vashishta, shaking off the aforesaid retainers who were numbering many in thousands and hundreds. Jagama nil vegen padmulam mahatmanah shabla sa rudanti cha kroshanti chedam bravit vasishta sayagratah स्थित्वा रुदंती मेघनी स्वना। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, She at once ran swift as the wind to the soles of her feet to that very exalted soul. Standing before Vashishta, while shedding tears, the celebrated Shabala submitted to him as follows, in a voice sonorous as rumbling of a cloud, weeping and wailing all the time. Bhagwan kim parityakta tvayaham brahmanah suta yasmad rajbhata mam hi nayante tvat sakashatah. Bhagwan, Brahma Kumar, kya apne mujhe tyag diya? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। Have I been forsaken by you, O Almighty Son of Brahma, in that the king's servants are actually taking me away from your presence? एव मुक्तस्तु ब्रह्मर्षि रिदम वचनम ब्रवीत शोक संतप्त हृदयाम स्वसारमेव दुखीताम। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, Questioned thus by the cow, Vashishta the Brahma seer for his part replied as follows to Shabala, whose heart was tormented with grief as to an afflicted sister. न त्वाम त्यजामि शबले नापि मे अपकृतम त्वया एष त्वाम नयते राजा बलान मत्तव महाबलह। शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। I am not abandoning you, O Shabla, nor have you wronged me. Intoxicated with power, this very mighty king is taking you away by force. नहीं तुल्यं बलं महयं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथ्वीयः पतिरेव च। मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है। My strength is not equal to his. Nay, being my honored guest, the king is particularly strong today. The king, Vishwamitra, is a Kshatriya and the ruler of the earth to boot. Iyam akshohini purna gaj vajiratha kula haste dvaj samakirna tena sau balvattarah. Inke paas hathi, gode aur rathon se bhari hui यह अक्षोहिणी सेना है जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। Here is his army, full one Akshosini, strong, equipped with elephants, horses and chariots, and crowded with the best of elephants. In that respect, he is mightier than us. एव मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिं तुलप्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। Thus addressed by Vashishta,
Shabala, who correctly understood the sense of others' speech, replied as follows, like a meek lady, to Brahmana, seer of the matchless splendor. Na balam kshatriyasyahur brahmana balvattaraha brahman brahma balam divyam kshatrach balvattaram. Brahman, kshatriya ka bal koi bal nahi hai, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। The wise declare the strength of a kshatriya as nothing, as compared to that of a brahmana. Brahmanas are decidedly stronger than the kshatriyas. The strength of a brahmana, O holy one, is spiritual and as such is of a superior nature to that of a kshatriya. Apramayam balam tubhyam na tvaya balvattaraha vishwamitro mahavirya stej stav durasadam. आपका बल अप्रमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है, आपका तेज दुर्धर्ष है। Your strength is immeasurable, though very powerful. Vishwamitra is not stronger in comparison with you. Your glory is unassailable. Niyum gakshava ma mahatejas swatvam brahma bal sambritam tasya darpam balam yatnam nashyami duratmanah. Mahatejasvi maharshe, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हुई, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। Command you me, O fosterer, as I am, or by your Brahmanical spiritual strength, O exceptionally glorious sage, I shall put an end to the pride, strength, and endeavor of this wretch called Vishwamitra. Ityuktastu taya Ram vasishthyastu mahayashaha srijasveti tadovach balam par balardhanam. Shri Ram, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। Urged as aforesaid by her, O Rama, the illustrious Vasishtha for his part forthwith said to her, create a force capable of destroying the enemy's army. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत तदा तस्या हुंबार वोत सृष्टा पहलवाः शतशो नृप। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया, उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलम सर्वम विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारितै क्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ, वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पहलवान नाशयामास शस्त्रै रुच्चा वचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्टवा पहलवान शत शस्तदा भूय एवासृजद घोरान शकान यवन मिश्रितान तैरासीत संवृता भूमि ही शैकैर्य वन मिश्रते। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। Hearing the aforesaid command of sage Vasishtha, the said wish-yielding cow forthwith produced a number of warriors created by her very bellow. O king, Pahalavas in their hundreds began to destroy the whole army under the very eye of Vishwamitra.
Highly enraged and with his eyes dilated with anger, King Vishwamitra too made short work of the Pahlavas by means of his weapons of various kinds. Seeing the Pahlavas killed in their hundreds by Vishwamitra, Shabala immediately produced next the terrible Shakas, who were akin to the Yavanas. The land was flooded with these brilliant and most powerful Shakas that were akin to the Yavanas, resembled the filaments of the Champaka flowers in color, carried sharp-edged swords and patishas, a kind of spear, on their person, and were clad in yellow. Prabhavadi Bharmahavi Yer Hem Kim Jalk Sannibhehe Tikshana Sip Tish Dhare Hairam Varnam Baravratehe Nirdagdham Tadbalam Sarvam Pradeep Pavakehe Tato Astrani Mahateja Vishwamitro Mumoch Taiste Yavan Kamboja Barbarashcha Chakula Kuli Kritaha Ve Veer Mahaprakrami or Tejaswite Unke Sharir Ki Kanti Suvarn Tatha Kesar Ke Samanti Ve Sunahere Vastrose Apne Sharir Ko Dhake Huete Unone Hatome Tikhe Khadak or Patish Le Rakhete Prajwalit Agni Ke Saman Udbhasit Hone Vale उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। The entire army of Vishwamitra was consumed by them as by blazing fires. Thereupon, it is said, the highly glorious Vishwamitra discharged a number of missiles by them, those Yavanas and Kambojas, another species of Mlechas, as well as the Barbaras, still another species of the Mlechas, were thrown into confusion. Ityarshe Shrimad Ramayane Valmikiye Adikavye Balkande चतुः पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 54 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ॐ श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने ॐ आपदाम पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद धन्यवाद।